हेलो नमस्ते नमस्कार चैनल में स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। नोएडा सेक्टर 93 में दो टावर्स थे इसलिए बोला हूं क्योंकि आज दोपहर 2:30 बजे उनको गिरा दिया गया। पहले मैंने जब इस न्यूज के बारे में देखा और ऐसे ही फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखा स्क्रॉल करते हुए, तो मुझे लगा हो सकता है टावर जो है वो पुराने हो गए होंगे, उनका स्ट्रक्चर कमजोर हो गया होगा, इसलिए उनको गिराया जा रहा है ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन जब मैंने इसके बारे में देखा, डिटेल में गया, इसके बारे में गूगल किया, तो मुझे पता चला कि ये जो टावर्स है बिल्कुल नए थे। जी हाँ, 2005 में इनका जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 2009 में ये बन के तैयार हो गया था। ठीक उसके एक साल बाद मामला गया कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में गया ये मामला। मामला क्या था कि ये जो पूरा एरिया था ना, एक ग्रीन एरिया था, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलाउड नहीं था। लेकिन ये जो पूरा मामला है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये एक भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है कि किस तरीके से जिस एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना था, कैसे वहाँ पे 40 मंजिला दो बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई। जी हाँ, टोटल इसमें 950 फ्लैट्स होने वाले थे, जिसमें से 650 का बुकिंग जो है हो गया था। और जब मामला केस में गया, जब मामला उलझा, तो 250 लोगों ने अपना रिफंड ले लिया, 138 लोगों ने, मतलब ऐसे कर करके, मतलब लगभग 650 फ्लैट्स जो है वो बुक हो गए थे। इसमें अभी भी 250-250 जो फ्लैट्स है उसकी बुकिंग अमाउंट जो है वो वापस नहीं की गई सुपर टेक कंपनी के द्वारा। और आज 2:30 बजे इसको गिरा दिया गया है। इसको जो गिराया गया तो उसमें अप्रॉक्स 3,700 किलो विस्फोटक, जो ब्लास्ट के लिए मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, वो यूज़ किया गया और बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया। न्यूज़ चैनल देख रहा था तो वहाँ पे तो एकदम, मतलब जैसे बंदरों की तरह न्यूज़ चैनल वाले इसको कवर कर रहे थे। ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके कोई ऐसे ऊपर टावर पे चढ़ गया है, कोई मतलब जिस तरीके से जिसको जैसे हो रहा था ना, वैसे कवर कर रहा था वो। तो मामला जो है 2010 में इलाहाबाद कोर्ट में गया, तो 2014 में उसने ये आदेश दिया कि बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाए, ये बिल्कुल इलीगल है। और फिर उसके बाद मामला गया हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे भी वही डिसीजन आया कि इसको गिरा दिया जाएगा। तो जो पूरा एरिया था ना 500 मीटर का, उस बिल्डिंग के आसपास पूरा सर्कल, उसको खाली किया गया। वहाँ जितने भी अगल बगल के फ्लैट्स थे, जो लोग रहते थे, उनको सुबह ही खाली कराया गया और पूरा एरिया एक तरीके से आप बोलो कि सील कर दिया गया। और अभी जब बिल्डिंग्स गिर गई है तो इसको खाली करने में, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो मलबा है, उसको हटाने में अप्रॉक्सिमेट 1.5 महीने का टाइम लगेगा। और सोच सकते हो मतलब कितना, 40 मंजिले का दो टावर, मतलब बिल्कुल वो एरिया भी कैसा लग रहा होगा पूरा, जब बिल्डिंग गिराया गया दोनों को, तो चारों तरफ धुआं धूल ऐसे ही पूरा वो एरिया। तो अभी भाई साहब मतलब बता नहीं सकता, जो लोग वहाँ पे होंगे वही बता सकते हैं कि किस तरीके का माहौल होगा। अभी तो लोगों को हटा दिया गया था, कोई भी यहाँ पे इंजरी नहीं हुई या किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अभी वापस से पूरा एरिया एक बार चेक किया जाएगा, आसपास की बिल्डिंग्स जो है वो चेक की जाएंगी कि वहाँ पे कोई क्रैक तो नहीं आया है, या फिर जो गैस पाइपलाइंस है, पानी की पाइपलाइंस है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो सारा कुछ चेक करने के बाद वापस से लोग जो है आसपास के, वो अपने घरों में आ जा सकेंगे, रह सकेंगे। तो यही था इस बिल्डिंग के बारे में। अगर आपके भी दिमाग में हो कि ये बिल्डिंग्स को क्यों गिराया गया, तो ये बिल्कुल एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था जिसको गिरा दिया गया है।